खंडेला और नगर पालिका खंडेला के चेयरमैन याकूब जी मलकान, वाइस चेयरमैन तमाम मंचस्थ पार्षदगण, साथी सुभाष नेहरा और अजीज मेरे खंडेला वासियों, नौजवान दोस्तों, सबसे पहले तो आपने सम्मान ये पगड़ी के रूप में भेंट किया है। मैं आप सबको विश्वास दिलाता हूँ आपका दिया हुआ सम्मान अमरा राम कभी कम नहीं होने देगा, हमेशा हमेशा आगे बढ़ाएगा। और ये चुनाव देश की दशा और दिशा बदलेगा। ये 10 साल में इस तानाशाह सरकार ने किसी को नहीं बख्शा, न किसान को बख्शा, न मजदूर को बख्शा, न व्यापारी को बख्शा और न आम आदमी को बख्शा। केवल ये सरकार दो व्यक्तियों की सरकार और दो व्यक्तियों के लिए चली है। इसने वायदा किया था 10 साल पहले कि काला धन 100 दिन में ले आऊंगा और हर देशवासी के खाते में 15 लाख आ जाएंगे। आया क्या खंडेला में? नहीं है, पूरे देश क्या कह रहे थे, महंगाई कम करेंगे। बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार 50 वाला डीजल 95, 400 वाला सिलेंडर 1100, ये महंगाई कम की है हमारे। इस देश के बेरोजगारों को हर साल 2 करोड़ को नौकरी दूंगा। 10 साल की सरकार है इस स्वामी जी की, मोदी जी की। 10 साल में 20 करोड़ को अगर नौकरी देते तो आज देश में एक भी बेरोजगार बेटा और बेटी नहीं होती। इन्होंने हमारे देश के बाबा साहब की जयंती है कल। इस सरकार ने उस संविधान के बाबा साहब के संविधान की आत्मा को मारने का काम किया। ये संविधान इस देश के हर नागरिक को, चाहे वो किसी भी धर्म को मानता हो, किसी भी जाति और मजहब का हो, उससे भेदभाव नहीं किया जा सकता। लेकिन नागरिकता कानून में इस देश के संविधान की आत्मा को मारने का काम किया और देश में इसके खिलाफ जबरदस्त आंदोलन हुआ। वो तो कोरोना आ गया, वरना किसानों की तरह इसके भी घुटने टिकाने का काम इस देश की जनता करती। इसलिए आज जनतंत्र की किस तरह से हत्या हो रही है, आपने चंडीगढ़ का मेयर का चुनाव देखा होगा। मैं नहीं कह रहा, इस देश का सर्वोच्च न्यायालय चीफ जस्टिस जब सुनवाई करके फैसला दिया, कहा इस देश के जनतंत्र की हत्या इस तानाशाह सरकार ने चंडीगढ़ के मेयर में की है। पहली बार गिनती वापिस करके जिन 35 में से 8 वोटों को कैंसिल किया था उनको वाजिब करके वापिस उस चेयरमैन को, जिसको हराया था इंडिया गठबंधन को, उसको वापिस कुर्सी पे देश की सर्वोच्च न्यायालय ने बढ़ाया। इसलिए आज क्या कह रहे हैं, अभी पहले कह रहे थे 2022 में किसान की आमदनी दूनी कर देंगे, अब कह रहे 47 में हम भारत को महान बना देंगे। अरे ये तो 5 साल का नोटिस देते हैं। इसलिए मेरा तो आपसे निवेदन है, क्या कहा नहीं छोड़ा महंगाई बेरोजगारी से देश के संविधान को, जिसने भी विरोध किया उसको जेल में। ये जनतंत्र नहीं है, विरोध जनतंत्र की आत्मा है। एक पक्ष है, सत्ता पक्ष है, एक विपक्ष है। विपक्ष उनकी खामियों को उठाता है। ये पहले बार है इस देश के संसद में विरोधी 150 सांसदों को बाहर करके, जो ड्राइवर है उनके खिलाफ भी 10 लाख का जुर्माना और 7 साल की सजा का कानून पास कर दिया। ड्राइवर को भी नहीं छोड़ा, आम आदमी को नहीं छोड़ा। इसलिए आज आपका एक एक वोट धराती हथौड़े को मिलेगा, इस कुशासन को समाप्त होगा। किसान को भाव की गारंटी होगी, भाईचारे की गारंटी होगी और निश्चित रूप से ये भारत आगे बढ़ेगा। इस कुशासन का समापन होगा। आपका एक एक वोट धराती हथौड़े वाला, सामने वाला बटन आप दबा देना और कुशासन का अंत दिल्ली जा करके संसद में अमरा राम करेगा। आपकी हर अजीत जो भी रात को अमरा राम की झोपड़ी के दरवाजे हैं,
किसी को भी मध्यस्थ की जरूरत नहीं होगी। आपको 19 तारीख को तक आपको दौड़ना है, फिर आपके हक और अधिकारों के लिए सड़क से संसद तक दौड़ने की जिम्मेदारी अमरा राम की होगी। यही बात कहते हुए आप सबको बधाई देते हुए 19 तारीख तक आप जिम्मेदारी निभाएंगे, फिर अमरा राम जिम्मेदारी निभाएगा। धन्यवाद। जय हिंद। जय भारत।